आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फ्राइज जो बिल्कुल केएफसी जैसी होगी। उसके लिए हमें चाहिए आलू, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये हम फ्राइज कटिंग करके उसमें कैसे ऐड करना है हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये हमने आलू कटिंग कर लिए हैं फ्राइज की शक्ल में। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, ये हमें डालना है 1/4 चम्मच। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ये टेबल स्पून है, बल्कि इसको हम 1.5 कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्रिस्पी बने। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मैदा, ये हमने इसमें मैदा ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। ये हमने इसके ऊपर एक प्लेट ढक दी है और उसे अच्छी तरह इसको मिला दिया है ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए। मैरिनेट करके जो हमने रखी थी फ्राइज, ये मैरिनेट करने के बाद ऐसी हो गई है। अब हम इसे तेज गर्म किए हुए तेल में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकालेंगे और डिश में अच्छी तरह से इसका सारा ऑयल निकाल कर इसे डिश में निकाल लेंगे। ये हमारी फ्रेंच फ्राइज तैयार है, कितनी क्रिस्पी बनी है ये देखें। और इसके ऊपर हम ये डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला।